शहर के प्रसिद्ध और प्राचीन पोद्दारेश्वर राम मंदिर में भाजपा उम्मीदवार नितिन गडकरी और चुनावी मैदान में उनके सामने खड़े कांग्रेस उम्मीदवार विकास ठाकरे एक साथ आरती करते नजर आए। मतदान के दो दिन पहले दोनों प्रत्याशियों का साथ में आरती करते नजर आना चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल पोद्दारेश्वर राम मंदिर की शोभा यात्रा निकलने से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और नागपुर से कांग्रेस उम्मीदवार विकास ठाकरे ने भगवान राम की पूजा अर्चना की। इस दौरान यह सभी नेता एक साथ मौजूद थे, लेकिन चुनावी मैदान में आमने सामने खड़े नितिन गडकरी और विकास ठाकरे की यह तस्वीर देखकर लोग जरा सा हैरान हो गए हैं। 19 को नागपुर में मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में प्रचार का कल आखिरी दिन था। अंतिम दिन होने के चलते सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वहीं अपने प्रचार से मुक्त होने के बाद रामनवमी के अवसर पर पूजा अर्चना करने यह नेतागण मंदिर पहुंचे। राम मंदिर में शोभा यात्रा होने से पहले पूजा अर्चना करने के बाद नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, आशीष देशमुख और कांग्रेस प्रत्याशी विकास ठाकरे ने एक साथ शोभा यात्रा रथ को आगे बढ़ाया। महाराष्ट्र TV24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।